नमस्कार, मैं तरुण बनर्जी, आप देख रहे हैं महाकाल टेक। और महाकाल टेक किस परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि महाकाल टेक किस परिवार में आप सभी का स्वागत है, तो मेरे जिम्मेवारी तो ये बनता है कि मुझे जो भी टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में दोस्तों, एक जो जानकारी हमको ये मिला है, एक फॉरेन की यूनिवर्सिटी ने इस बात का दावा भी किया है और रिसर्च करके इस बात का दावा किया है कि आखिर देर रात तक अगर कोई स्मार्टफोन को यूज करता है तो इसके सबसे घातक क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्मार्टफोन यूज करते हैं और कब 12 से लेकर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक, हम 3 बजे तक रात तक यूज करते हैं स्मार्टफोन को, और ऐसे में कब 12 बज गया है, 12 से कब 2 बज गया है, 12 से कब 3 बज गया, हम किस वक्त का पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों, हम तो यूज करते हैं पर दोस्तों ये जो है घातक भी हो सकते हैं। आखिर क्या घातक होंगे, जैसे कि देखिए, हम स्मार्टफोन जब यूज करते हैं, ठीक ना, हम जब रात को स्मार्टफोन को यूज करते हैं, दिन में हम कितने भी स्मार्टफोन को यूज करते हैं उसमें कुछ भी नहीं होगा, पर रात को स्मार्टफोन यूज करने से घातक इसलिए होता है कि आप जब अपने कमरे में आप जब स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप उस टाइम लाइट भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना, और आपका जो ध्यान रहता है आपके स्मार्टफोन पर, यानी आपका जो आंख का फोकस आपके स्मार्टफोन पर रहता है, और ऐसे में दोस्तों आपका जो है आंख में सबसे बड़ी क्षति, यानी आपका आंख बहुत ही जल्दी खराब होने का कारण भी यही एक स्मार्टफोन का वजह हो सकता है, ठीक ना। ज़्यादा स्मार्टफोन अगर आप यूज़ करते हैं और वो भी लाइट को ऑफ करके, और लाइट ऑफ करके अगर आप स्मार्टफोन के इस तरह से देखते हैं और स्मार्टफोन को चलाते समय अगर आप लाइट ऑफ रखते हैं तो इससे आपकी जो आँख है, आपके आँख में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, और आप बहुत ही जल्दी इसके कारण जो होते हैं कि आप जो आँख में कम दिखाई देते हैं और बहुत ही धुंधला नजर आता है सब कुछ, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, अगर हम पूरी रात भर यानी बहुत ही रात तक अगर स्मार्टफोन अगर यूज़ करते हैं तो इसका और एक घातक परिणाम यह है कि हमारे ब्रेन में इफेक्ट करते हैं। चाहे आप रात में लाइट बंद करके यूज़ कीजिए या फिर ऑन करके यूज़ कीजिए या फिर लाइट बंद करके यूज़ कीजिए, पर दोस्तों अगर हम स्मार्टफोन ज़्यादा देर रात तक यूज़ करते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में भी इफेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, ब्रेन एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर का कंट्रोल जो होता है हमारे ब्रेन में, जैसे कि दोस्तों एक कंट्रोल रूम है, हमारे जो ब्रेन होते हैं हमारे शरीर के कंट्रोल रूम होते हैं, और ऐसे में दोस्तों हमारे कंट्रोल रूम में अगर कुछ क्षति पहुंचता है तो पूरा शरीर में क्षति होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में हमारे ब्रेन जब एक कंट्रोल रूम है, और ऐसे में दोस्तों हमें दायित्व बनता है हमारे ब्रेन को ठीक रखने का, और ऐसे में अगर आप ज़्यादा देर रात तक अगर स्मार्टफोन अगर यूज़ करते हैं तो इसमें आपका ब्रेन में भी इफेक्ट बहुत ही गहरा, बहुत ही खराब इफेक्ट कर सकता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से भी नहीं बता सकते कि कितना ज़्यादा इसका जो खराब परिणाम हो सकता है। दूसरा, अब तीसरा बात करते हैं कि आखिर क्या होता है वर्तमान में। दोस्तों, आप देखेंगे जब आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं रात को, तो मान लीजिए हमारे क्या होता है कि स्मार्टफोन यूज़ करने के बाद रात को हमारे मन में ऐसे चिड़चिड़ी टाइप का आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता ना, कि बहुत ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप गौर करेंगे कभी कि जब आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जब अपना स्मार्टफोन चलाते हैं रात को, और रात को स्मार्टफोन चलाते वक्त जब आपका, आप देखे होंगे कभी कभी कि आपका नेटवर्क जो होता है नेटवर्क चल जाता है, तो हमें इतना गुस्सा आता है उस वक्त जब हमारे नेटवर्क चल जाते हैं, हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम स्मार्टफोन को लेंगे और जैसे पटक के तोड़ देंगे, स्मार्टफोन को तोड़ देंगे, दो टुकड़ा में बदल देंगे, ऐसे ऐसे हमारे जो होते हैं ना एक प्रतिक्रिया हमारे शरीर के अंदर से, हमारे ब्रेन के इसे एक ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया आते हैं कि अब हम स्मार्टफोन को तोड़ देंगे। तो इस तरह का अलग अलग जो हमारे जो गंदा परिणाम, ठीक ना, तो ऐसे में दोस्तों चिड़चिड़ापन जो है सबसे पहला परिणाम वही होता है चिड़चिड़ापन। अगर हम लोग ज़्यादा देर रात तक यूज़ करेंगे स्मार्टफोन तो हमारे चिड़चिड़ापन आते हैं फर्स्ट, जो हमारे फर्स्ट शुरुआती होते हैं। तो ऐसे में अगर आप देर रात तक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पहले यूज़ करता था देर रात तक, पर मैंने जब दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा से विस्तार से जाना, विस्तार से मैंने जब इसके बारे में और भी जानकारी लिया, मैंने खुद देखा इसके बारे में और भी ज़्यादा चेक करके, आप भी ज़्यादा आप चेक करके देख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों पहले मैं भी 12 बजे तक स्मार्टफोन चलाता था, क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब का काम करता था, ऐसे में मैं बहुत देर रात तक जागा हो रहा था। पर मैंने क्या किया कि अब मैं 10 बजे तक अपना स्मार्टफोन को रख देता हूँ और 10 बजे के बाद मैं अपने स्मार्टफोन को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। इसका कारण यही है कि मैंने इसका अब जब देखा कि अगर इस तरह की घटना घट रहा तो दोस्तों इससे आपको बच के रहना है। और ये जानकारी मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी रहता है। तो आपको ये जानकारी हमारे कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी इस तरह की जानकारी मिल जाए।
और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस परिवार में सब पहले से ही सदस्य हैं तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते चले फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।